सेवन इफेक्टिव वेज ऑफ स्टडिंग आज की वीडियो है हमारी। एज अ टीचर मैं खुद बहुत इनोवेटिव वेज ढूंढने की कोशिश करता हूं जिससे हम अच्छे से सीख सके और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। तो क्यों ना आप स्टूडेंट्स वो चीजें अपनाएं जिससे आपकी स्टडिंग पहले से भी बेहतर हो। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, मेसी नोट्स आर बेटर देन ऑर्गेनाइज्ड नोट्स। जो मेसी नोट्स होते हैं वो बेहतर होते हैं ऑर्गेनाइज्ड नोट से। क्या मतलब? सॉरी, एग्जांपल में लेट सपोज आप एक घर में गए हो, आप घर में एंटर होते हो, बहुत साफ सुथरा घर है, हर चीज ऑर्गेनाइज पड़ी हुई उस घर की, आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी जब मैं पूछूंगा। लेकिन आप एक डिसऑर्गेनाइज घर में जाते हो जहां पे सारी चीजें बिखरी हुई है, वो कमरा सोचें जहां पे सब उलट पुलट हुआ है, तो आपकी ब्रेन ज्यादा अच्छा उसको मेमोराइज करेगी, वो पता होगा कौन सी चीज कहां थी। तो अपने नोट्स जब आप बनाते, इतने भी ऑर्गेनाइज ना बनाए, कुछ कलर्स उसमें यूज करें, कुछ ड्राइंग्स यूज करें, उससे ज्यादा आपकी मेमोराइजेशन क्या होगी, इंप्रूव होगी। नंबर टू, विजुअल्स। ऐसा क्यों है कि मूवी आपको 10 साल तक याद रहती है लेकिन एक लिखे हुए नोट्स आपको शायद 5 मिनट भी याद ना रहे? क्यों? क्योंकि हमारी जो विजुअल ब्रेन की कैपेसिटी ना वो बहुत ज्यादा है। तो आप विजुअलाइज किया करें अपने नोट्स को, आप इमेजिन किया करें अपने नोट्स को, या कोई ड्राइंग या कोई कैरेक्टर्स बनाया करें अपने नोट्स के साथ, उसमें चीजें लिखा करें, तो आपको यकीनन बहुत ज्यादा बेहतर मेमोराइजेशन होगी। नंबर थ्री, गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स होते ही नहीं और समझते कि उनको बहुत चीजें याद रहेगी, ऐसा है बिल्कुल नहीं। एक रिसर्च आई है, उसमें कहा गया कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपकी लर्निंग इंक्रीज करता है। तो इफ समवन इज प्लानिंग टू गिव CFA एग्जामिनेशन और ACC एग्जामिनेशन, आप अच्छा सो, अच्छी स्लीप की हैबिट बनाओ, यकीन मानिए आपकी लर्निंग में भी क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। स्टडी एनवायरमेंट, भाई ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है, जिम। अपने घर में जिमिंग करने का मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? एनवायरमेंट नहीं है वही। आप जब जाते हो ये जिम के अंदर, वहां पे आपको पूरा एनवायरमेंट मिलता है। अब मैं कुछ स्टूडेंट को देखता हूं जो बिस्तर पे लेटे हुए और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एनवायरमेंट क्या बनाया हुआ सारा सोने का, तो नींद ही आएगी ना। इससे बेहतर क्या है कि आप एनवायरमेंट क्रिएट करो अपने, जहां एक पूरे एक स्टडी रूम बनाओ या अपने रूम में एक स्टडी का हिस्सा बनाओ, स्टडी टेबल रखो, वहां कोट्स भी, कोटेशन रखो, ऐसी ऐसी तस्वीरें रखो जो मोटिवेट करे आपको पढ़ने के लिए। जैसे जिम में होता है, हम जिम में जाते हैं एकदम से वहां देखते हैं बॉडी बिल्डर की तस्वीर, एकदम मोटिवेशन जागती है हमारे अंदर। यही स्टडी एनवायरमेंट आपने भी बनाना है अपने घर के अंदर। नेक्स्ट इफेक्टिव वे, रिवाइज थ्रू प्रैक्टिस। जब भी रिवीजन करें दिमाग में समझे, बहुत सारा सिलेबस आपके अनकॉन्शियस माइंड में होता है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं, टेस्ट आपका ले लेता हूं। आप मुझे अपनी अम्मी की शक्ल पूरा लिख के बताएं कैसी, पूरी ड्रॉइंग करें अभी इसी वक्त, फंस जाएगा माइंड। लेकिन जैसे ही आपकी अम्मी आपके सामने ले होगा, पहचान फौरन जाएगा उसको। इसका मतलब क्या कि आपका अनकॉन्शियस ब्रेन में बहुत सारा डेटा फीड होता है। तो जब भी रिवाइज करें, ना कि आप सिलेबस पहले सही से रिवाइज करें, उसके क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करें, आपका अनकॉन्शियस माइंड क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करेगा ऑटोमेटिकली। ये देखिएगा, ये भी आप टेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, पेन इज मोर ऑनेस्ट देन योर टंग। ये फ्रेम कर लिया अपने पास, ये वाला जुमला, पेन इज मोर ऑनेस्ट देन योर टंग। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स सर बोल रहे होते हैं कुछ चीजें, वो लिखते नहीं है किताब में, लिखा करें, क्योंकि आपकी जबान तो भूल सकती चीजें, आप तो कुछ कुछ अपना लिखा हुआ भूल जाती है। जो एग्रीमेंट्स बनते हैं दो पार्टीज के बीच में, क्यों बनते हैं? बिकॉज पेन इज मोर ऑनेस्ट देन योर टंग। आप खुद भूल सकते हो लेकिन लिखी हुई चीज कभी भी आप भूल नहीं सकते। लास्ट टेक्निक, फिनमैन टेक्निक। फिनमैन टेक्निक क्या है? बहुत पॉपुलर टेक्निक है कि कुछ चीज बहुत मुश्किल लग रही ना, अगर याद करना किसी को पढ़ा दो। अच्छा, जरूरी नहीं कोई बैठा हो अभी उस सामने, अपने पेज के टॉप पे हेडिंग डालो और कोई भी XYZ समझ लो सामने, खाली प्लाव समझ लो भले सामने, और उसको बस पढ़ा दो। उससे आपकी ब्रेन में मेमोराइज हो जाती चीज। तो ये 7 इफेक्टिव वेज ऑफ स्टडिंग है, इसको अपनाइएगा तो बहुत इंप्रूवमेंट होगी। थैंक यू।